हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोनी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सम्मुख सामान्य ज्ञान के बहुत ही चुने हुए प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर बना है। भाषा के आधार पर, अगर आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 राज्य गठन हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे निकल करके और तमाम तथ्य आते हैं तो व्यापक रूप से जब अलग अलग बताया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी आप जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको आप इसी में से सिलेक्ट करते रहिए। देखेंगे दिया गया है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है। अब इसमें प्रश्न में प्रश्न छिपा हुआ है, किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आपको पता है इरविन वायसराय थे, लॉर्ड इरविन के बीच गांधी जी का समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको इसी वक्त आप दिमाग में बैठा लेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। अब इसी प्रश्न से फिर आगे संबंधित है या किससे संबंधित है कि जो दोनों लोगों में समझौता हुआ था वह किससे संबंधित है, तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और इसमें इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट भी कहलाता है। जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था उसके पहले गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ये तो थोड़ी सी बेसिक बात है, जब इसके डिटेल में जाएंगे तो उस समझौते के तहत आप जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की। तो वह रहा मौके पर आप ये जानेंगे कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और वह किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इस प्रकार का आंदोलन जो कि गांधी जी की सबसे विशेष सबसे विशेष विशेषता रही है, इनकी सबसे स्पेशल विशेषता ते ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसी के साथ एक करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न, ये तो मान लीजिए अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रहा है। इसमें देखेंगे किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत नाम रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई। इसमें जो उल्लेख है वो छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने 5 साल में 15 लाख रोजगार सृजन की घोषणा की और उसको एक मिशन के तहत लिया जिसका नाम रोजगार मिशन। तो आपसे पूछ लिया गया रोजगार मिशन किसने शुरू किया, कहाँ शुरू हुआ, तो जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे ये नहीं जान पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में। तो स्पेशली ये दो प्रश्न हो गए, उसके बाद चलते हैं अगले दो प्रश्न पर। देखेंगे दिया है निम्न में से किसने मोदी पब्लिक 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये किताब का नाम है मोदी पब्लिक 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की। तो इसका डिटेल हम बता दें, 31 मई 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति महोदय एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को लॉन्च किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के जीवन इतिहास का, 20 वर्ष सत्ता में रहते हुए 20 साल पर उनकी जीवनी का उल्लेख किया है, उनके जीवन के संदर्भ में क्या उतार चढ़ाव रहा है इसका उल्लेख किया है। तो बहुत ही चर्चित किताब है और इसका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया, ये
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड लीडर समिट क्या है। क्वाड में आप पाएंगे इसमें इंडिया है, यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इन लोगों ने आपसी मंच बनाया है जिसमें राजनयिक संबंध है और वो सम्मेलन होता है जिसमें कुछ विषय वस्तु पर चर्चा होती है। तो क्वाड में कौन कितने देश हैं? चार देश हैं। कौन कौन? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये तो हो गई एक प्रश्न में से प्रश्न की बात। फिर हमसे जो प्रश्न पूछा गया उस पर आ जाइए, या किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो है जापान में आयोजित किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था मई 2022 में। तो इस तरह से दोनों प्रश्न अपने कंफर्म हो गए। अगर हम याद रखेंगे तो मोदी आपने 20 ट्रिक्स विद डिलीवरी, ये जो है उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिखित है, और यह जो है जापान में इसका आयोजन किया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का संग्रह आपके जो मेमोरी है उसमें इजाफा करेंगे, और ये प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो ये आपके लिए स्पेशल नहीं रहेंगे बल्कि एकदम सामान्य प्रश्न रहेंगे। होता क्या है कि आप तैयारी भरपूर करते हैं, केवल वो चीजें हो सकता है आपकी निगाह से बच गई हो और उसको हम उठा के ले आके यहाँ रख दें। तो बहुत ही सहज ढंग से देखते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। इस प्रश्न से प्रश्न में जो प्रश्न शामिल होता है इस पारखी निगाह को भी आप रखें, कहीं अगर मिलता है तो जैसे क्वाड आया तो पता होना चाहिए। तुरंत प्रश्न आता है कि क्वाड है क्या? राजनयिक सम्मेलन है, राजनयिक ग्रुप है चार देशों का। कौन कौन देश है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए। बाकी व्यापक और जानना है तो उसके लिए व्यापक एक पर एक टॉपिक विशेष वहां की बात होती है, लेकिन सामान्य रूप में यही है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ये आपसे जिस तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जिसमें आप पाते हैं WTO है, बहुत ही चर्चित है। व्यापारिक रूप में किस तरह से क्या कहा, कौन सी स्थिति बन रही है, क्या बिगड़ रही है, उस पर निगाह रखता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई। ये तथ्यात्मक चीज है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत फरवरी 2005 की है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? यह है अप्रैल 1991। हाँ, यहाँ तो मान लीजिए अभी अप्रैल सन और महीना बताया जा रहा है, लेकिन आप ज्यादातर प्रश्न जो आ रहे हैं डेट टू डेट आ रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे आपसे दे देगा इस तरह से 1 जनवरी 1995, 2 जनवरी 1995, 3 जनवरी 1995, 4 जनवरी 1995। अब जिसने तथ्य को आपके दिमाग में तो रहेगा जनवरी 1995, लेकिन डिटेल आपको रखना, जिस तरह से आप दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से प्रश्न करने वाला भी आपसे अपेक्षा करता है कि ज्यादा से ज्यादा माइनर चीजें आपसे प्राप्त कर सके। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, जिस तरह से प्रश्न चल रहे हैं एग्जाम की प्रवृत्ति जैसी हो रही है उसी तरह से तैयारी करेंगे तब सफलता आपको मिलेगी। तो इस तीनों प्रश्नों पर एक साथ आप एक निगाह डाल लेंगे। देखेंगे आपसे पूछा गया कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है, जिसमें आप देखते होंगे कि वो घाघरा पहन के औरतें घूमर उड़ करके धार्मिक आयोजनों में या उस तरह से अपना वो नृत्य प्रस्तुत करती हैं। अक्सर हम लोग फिल्मों में या उस तरह से न्यूज आदि में हम देख चुके हैं कि घूमर
या कुछ लोगों का सौभाग्य होगा तो प्रत्यक्ष रूप से जाकर के भी इस लोक नृत्य को देख चुके होंगे। उसके बाद आगे है सीएनजी का पूरा नाम, तो आप मौके पर जान रहे हैं कि शुद्ध शुद्ध रूप से ईंधन के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें सीएनजी पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप के लिए तमाम चीजें इसमें दी गई, लेकिन सही जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ना कि कॉर्डिनर ग्रिड, ना कि कोल एंड नेचुरल गैस, ना कि केमिकली न्यूट्रल। जी ऐसा नहीं, ये वाला सही। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए ये वाला आपको आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन हर परीक्षा में कोई ना कोई एक प्रश्न होता है जो सिलेक्टिव होता है, जो एक आध दो प्रश्न ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं, उसमें से एक प्रश्न यह भी है जो बहुत ही सूक्ष्म तैयारी करता है वही जानता है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो मैं बता दूं कि भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें आप पाएंगे तमिल, आप अगर नोट करना चाहें तो आपको नोट करा सकते हैं, तमिल, संस्कृत, क्रम है एक अपना एक, तमिल हो गया, संस्कृत, कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, मलयालम, और उसके बाद है ओडिशा। ये क्रम क्या है, इनको सत्रवाइज समवाइज मान्यता मिली है शास्त्रीय भाषा का। जैसे सबसे पहले 2004 में तमिल को मान्यता मिली, 5 में संस्कृत को, 8 8 में दो भाषाओं को मिला था, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, 2008 के। अब मलयालम, मलयालम जो है 2013, और ओडिशा 2014। तो अगर आप सब त्रवाई ध्यान में बैठाएंगे तो आप इससे वाकिफ हो जाएंगे कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं, कौन है, इनका एक क्रम है, इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप कोडेड कर लेंगे, कोडेड कर लेंगे फायदेमंद रहेगा। तो 4 से लेकर के 14 तक है, तो 4 और 14 तमिल और ओडिशा हो गया, संस्कृत 5, कन्नड़ तेलुगु 2008 में है, मलयालम 2013। तो ये जो प्रश्न हमने चिन्हित किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप हमारी सीरीज को देखेंगे। अगर आपका कोई अमूल्य सुझाव होगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसे यह श्रृंखला जारी रहेगी सामान्य ज्ञान जिसमें चिन्हित प्रश्नों को हम रखेंगे। एक बार आप अवलोकन जरूर करें, पसंद आए शेयर करें, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं और लोगों का भी मार्गदर्शन करें। थैंक यू।